7 नवंबर 1858 को अविभाजित भारत के हबीबगंज जिले में, जिसे आज का बांग्लादेश कहते हैं, बिपिन चंद्र पाल का जन्म हुआ था। बिपिन चंद्र पाल एक भारतीय क्रांतिकारी, शिक्षक, पत्रकार व लेखक थे। पाल उन महान विभूतियों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बुनियाद तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई। वे मशहूर लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल तिकड़ी का हिस्सा थे। इस तिकड़ी ने अपने तीखे प्रहार से अंग्रेजी हुकूमत की चूले हिला दी थी। इन्होंने 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन में बड़ा योगदान दिया, जिसे बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला। लाल बाल पाल की इस तिकड़ी ने महसूस किया कि विदेशी उत्पादों से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है और लोगों का काम बेचैन रहा है। अपने गर्म विचारों के लिए मशहूर पाल ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया और ब्रिटेन में तैयार उत्पादों का बहिष्कार, मैनचेस्टर में बने कपड़ों से परहेज तथा औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल आदि हथियारों से ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी। राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती सालों में गरम दल की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि इससे आंदोलन को एक नई दिशा मिली और इससे लोगों के बीच जागरूकता बढ़ी। उनका मानना था कि नरम दल के हथियार प्रेयर पिटिशन से स्वराज नहीं मिलने वाला है, बल्कि स्वराज के लिए विदेशी हुकूमत पर करारा प्रहार करना पड़ेगा। इसी कारण उन्हें स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारी विचारों का पिता कहा जाता है। पाल ने क्रांतिकारी पत्रिका वंदे मातरम की स्थापना भी की थी। तिलक की गिरफ्तारी और स्वदेशी आंदोलन के बाद अंग्रेजों की दमनकारी नीति के बाद वह इंग्लैंड चले गए। वहां जाकर वे क्रांतिकारी विचारधारा वाले इंडिया हाउस, जिसकी स्थापना श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने की थी, उससे जुड़ गए और स्वराज पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। जब क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने सन 1909 में करजन वायली की हत्या कर दी, तब स्वराज का प्रकाशन बंद कर दिया गया और लंदन में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद बिपिन चंद्र पाल ने अपने आप को उग्र विचारधारा से अलग कर लिया। वंदे मातरम राजद्रोह मामले में उन्होंने अरबिंदो घोष के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें 6 महीने की सजा हुई। 20 मई सन 1932 को पश्चिम बंगाल कोलकाता में इस महान क्रांतिकारी का निधन हो गया।